हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कैसे मेरे गुड़हल के प्लांट में, गुड़हल के फूल के प्लांट में मिली बग्स लगे थे। छोटे छोटे कीड़े, सफ़ेद रंग के कीड़े लगते हैं जो चिपचिपे से उस पर चिपक जाते हैं, निकलते नहीं हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं ये कीड़े। और ये हैं इतने सुंदर फूल गुड़हल के हुए हैं। ये वाइट कलर का गुड़हल है मेरे पास, एक हाइब्रिड हिबिस्कस भी है। ये सब इतने खूबसूरत फ्लावर और इन पे जो मिली बग्स लग जाते हैं छोटे छोटे से, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इस पे छोटे छोटे से कीड़े लग गए हैं, मिली बग्स देखिए ये लगे हैं छोटे छोटे, ये इस पे ये चिपचिपे से कीड़े चिपक जाते हैं और ये पूरे प्लांट को, फ्लावर को, कलियों को खा जाते हैं सारे कीड़े। इनको हटाने के लिए, इनको ख़त्म करने का, इनको वैनिश करने की कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी इस समय, इसमें किस तरह से इसको हमने हटाया है, किस तरह से मैंने इस पर क्या स्प्रे किया और घरेलू पेस्टिसाइड बनाया मैंने जो प्लांट को नुकसान ना करे ज़्यादा। ये सारे प्लांट और ये सारे फ्लावर ये मिली बग से मुरझा जाते हैं। अब ये मैंने, ये घरेलू नुस्खा है, ये चावल का पानी जो माड़ बोलते हैं जिसको, चावल का पानी और ये सर्फ लिया है, डिटर्जेंट पाउडर, और इस इन दोनों को मिक्स करके मैं इस पे स्प्रे करूँगी फ्लावर और इस प्लांट पे और इसकी पत्तियों पे। और ये शाम के समय ही करना है इनको स्प्रे, दिन में नहीं करना है, धूप में नहीं करना है, नहीं तो पत्तियां जलने का डर रहता है। ये देखिए, एक लीटर, एक से डेढ़ लीटर चावल का पानी है, उसमें एक चम्मच मैंने सर्फ मिलाया है, ये डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा और चावल का पानी मिलाऊंगी और उसके बाद मैंने इस स्प्रेयर में, स्प्रे वाली बॉटल में मैंने ये सब पहले से थोड़ा सा चावल का पानी और डाला हुआ था माड़, उसमें ये मिला दिया है इस सॉल्यूशन को, सर्फ और चावल के पानी के सॉल्यूशन को मिलाया है और इसको तेज़ी से स्प्रे करेंगे ताकि वो झड़ जाए, उस पर से कीड़े झड़ें। ये तेज़ी से स्प्रे करने से थोड़े से झड़ेंगे और कुछ मरेंगे। मैंने जहाँ जहाँ पे वो मिली बग्स लगे वहाँ पे हमने ज़्यादा स्प्रे किया। एक तरीका तो ये हो गया है और दूसरा तरीका है, ये बेकिंग सोडा लिया है मैंने, बेकिंग सोडा और एक लीटर पानी, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा लेना है और एक लीटर पानी में मैंने एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रेयर बॉटल में छान लिया, मतलब स्प्रेयर बॉटल में डाल लिया है स्प्रे करने के लिए, और इस तरह से ये स्प्रे किया है मैंने इन प्लांट्स पे। मिलीबग्स की वजह से देखिए कितना सूखने से लगा है बेचारा पूरा प्लांट, वैसे गर्मी भी ज़्यादा है इस समय। और ये सारे मैंने स्प्रे कर दिए हैं प्लांट पे, जहाँ जहाँ ज़्यादा मिलीबग्स हैं, ज़्यादा कीड़े हैं वहाँ पे हमने ये स्प्रे कर दिया है। सफ़ेद सफ़ेद रंग के ये कीड़े ज़्यादा होते हैं, गुड़हल पे ज़्यादा होते हैं, कुछ नींबू के पेड़ पे भी होते हैं इस तरह के कीड़े। ये देखिए, ये स्प्रे करने के बाद कुछ दिन, 15-20 दिन बाद, 20 दिन या 20-25 दिन हो गए हैं और उसके बाद ये सारे इस पे मिली बग्स ख़त्म हो गए हैं। और हमने कुछ फूल तोड़ दिए थे इसमें से, फूल जो मुरझा गए थे, कुछ कलियाँ वो सब मुरझा गई थी मिली बग से, वो सब हमने काट दी है, हटा दी है इनमें से, और उसके बाद ये एकदम से क्लीन हो गया है। इतना अच्छा रिज़ल्ट है, ये सोडा, बेकिंग सोडा और सर्फ और चावल के पानी का सॉल्यूशन